अब ये ट्रांसफॉर्मेशन नागुजीद हो चुका है. बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने ऑपरेशंस को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को नए दौर के तकाजों के मुताबिक लेके चलें. तो 2020 में दे हैव टू वर्क टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग इट. इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट जो होंगे, जो डेटा स्पेशलिस्ट होंगे, इस जॉब में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लास्टली आपको बताते चलें जी, ऑर्गेनाइजेशनल डिवेलपमेंट स्पेशलिस्ट, यानी जिस तरह अब कंपनीज़ बदल रही हैं, कंपनीज़ में काम करने का अंदाज़ बदल रहा है, तो उनको ऑर्गेनाइज करना, उनके स्ट्रक्चर्स बनाना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी लाइन ऑफ यू नो ऑपरेशंस में होगा, ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट लाइंस, डॉटेड लाइंस, ऑल दीज ग्रिड्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो अगर आप एक नौजवान हैं तो इन फील्ड्स को, जो कि इमर्जिंग फील्ड्स हैं, इन ट्रेंड्स को नोटिस कीजिए, इसी के मुताबिक अपनी एबिलिटीज़ और अपनी स्किल्स को लेकर चलें. इसके अलावा पाकिस्तान भर में हम ये देखते हैं कि इंडिकेटर्स अब ज़रा पॉजिटिव अपवर्ड लुकिंग हो रहे हैं. मूडीज की भी जो रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से आई है, इसकी मईशत के लिए खुशाइन कहा गया है. इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी है. बिल्कुल न्यू ईयर से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की पाकिस्तान कराची का दौरा भी रहा, और हम देख सकते हैं कि नाउ अपॉर्चुनिटीज़ आर अपवर्ड लुकिंग. टॉप 25 कंपनीज के अवार्ड्स भी हुए, ये तकरीब भी हमने आपको दिखाई. इसके अलावा जो लोगों का नज़रिया है, जो एक अनसर्टनटी की फ़िज़ा थी, वो मेरे ख्याल में अब उसके बादल छट रहे हैं. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा ख़ुद भी ये स्टेटमेंट दी कि साल 2019 मुश्किलात का साल था. इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फोर्सेस जिसके अगेंस्ट एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था, जब स्टैंड लिया गया तो मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन वो भी उम्मीद करते हैं कि साल 2020 एंड ऑनवर्ड्स थिंग्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग. अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद हमारे पास एक ब्रिलियंट लाइनअप ऑफ गेस्ट है, लेकिन आज की हमारी गुफ्तगू का ज़्यादा फोकस होगा नौजवान नस्ल. शुरुआत भी हमने रोज़गार और मुलाजमतों से की है. हमारी मौजूदा हुकूमत ने भी यही हदफ अपने लिए सामने रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार फराहम किया जाएगा, लेकिन क्या इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को सामने लाएं, या फिर इसके लिए हुकूमती इदारे एक पॉलिसी मेकिंग का साजगार एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो. अभी बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ. वापस आएंगे, गुफ्तगू होगी, आपकी कॉल्स होंगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी हैं. ईयर 2020 इज ऑलरेडी लुकिंग अमेजिंग. अगर आज आपने कोई चेक लिखना है तो मेंटल नोट बना लीजिए, साल तब्दील हो गया है, गलती ना कीजिएगा वरना चेक जाया हो जाएगा. अभी लेते हैं एक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ये नई पैकेजिंग, न्यू लुक आपके सामने है. अभी मैं भी ज़रा गौर से देख रही थी हमारे ब्रेक बम्पर को, तो आप देखो सिंबॉलिकली इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को चेंज किया है. एंड आई पर्टिकुलरली लाइक द क्लासरूम. मुझे लगता है कि ये हमारे शो में कोई क्लासरूम जैसा माहौल नहीं है, लेकिन लर्निंग, अनलर्निंग एंड री लर्निंग कंटिन्यूज फॉर लाइफ. ख़ास तौर पर 2019 में जो बड़ी अहम चीज़ें हुई, जो अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए, उसको हम इस प्लेटफॉर्म से हमेशा इंकरेज करते हैं और करते रहेंगे. सो साल 2020 में भी इसी ट्रेंड को आगे ले जाते हुए, वन ऑफ द की इनिशिएटिव्स एंड कैंपेन्स विच आई पर्सनली फेल्ट रियली हम्बल टू बी अ पार्ट ऑफ इन अ वेरी स्मॉल वे, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और इसके बारे में मैं जितनी फोरम्स भी जाती हूँ बात जरूर करती हूँ. अगर आप नोट करें, आई एम जस्ट वेयरिंग दीज ब्यूटिफुल इयर रिंग्स, और ये आपके सामने मेरे, ये दीज आर हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी. और इसकी सबसे अहम बात यह है कि हम कहते हैं कि हर चीज़ की एक दास्तान होती है, एक स्टोरी होती है जो बहुत अहम है. दीज हैव बिन मेड बाय द रेफ्यूजीज लिविंग इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन कराची, जिसमें अफगान रेफ्यूजीज शामिल हैं, इसमें रोहिनिया बर्मीज शामिल हैं, और ये वो लोग हैं जो हिजरत करके आके एक बेहतर कल को तलाश कर रहे हैं. और बहैसियत एक सोसाइटी इनिशिएटिव लिया गया, एंड द पर्सन बिहाइंड इज बेसिकली इट्स अ पावर कपल, बट पर्टिकुलरली हर इनिशिएटिव, और उनसे भी हम बात करेंगे. ऑफकोर्स हाउ द फैमिली एंड हर बेटर हाफ हैज़ बिन इन सपोर्ट टू दैट, वो भी हमारा आज का मौजू रहेगा. हमारे साथ मौजूद हैं हुमा अदनान एंड अमीर अदनान. अस्सलाम वालेकुम. द फैशन पावर डुओ, हैप्पी न्यू ईयर टू यू. हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज़ वेल. आज ही 2 जनवरी है. हमने सबसे पहले कहा कि क्राफ्ट स्टोरीज की स्टोरी से शुरुआत की जाए. सो हुमा, इट हैज़ been such a significant year for you. You were able to train and you know get these women to have find hope again and find ambition again. Saal 2020 mein aap inko kaise aage leke chal rahi hain? Dekhiye, pehli baat, sabse most important jo khushi mujhe mil rahi hai wo ye hai ki
2020 में हम इस प्लेटफॉर्म को लेके पाकिस्तान से फर्दर जा रहे हैं. वी आर गोइंग टूवर्ड्स यूरोप. हम पेरिस में इस ज्वेलरी का एग्जीबिशन कर रहे हैं एट द बिगेस्ट फैशन ट्रेड फेयर. तो इसकी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि 2020 जनवरी विल बी अ बिग ईयर इंशाल्लाह फॉर दीज रेफ्यूजीज दैट आर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. बिकॉज आई थिंक वी हैव सफर्ड अ लॉट, द वर्ल्ड हैज सफर्ड अ लॉट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली लास्ट ईयर. सो मेनी वॉर्स हैव टेकन प्लेस एंड सो मेनी पीपल हैड टू लीव देयर होम्स. इतने लोगों को अपने घरों को फोर्सफुली छोड़ना पड़ा. एंड द लीस्ट वी कैन डू इज टू गिव देम होप एंड गिव देम समथिंग टू सर्वाइव ऑन. सो बेसिकली ये जो ज्वेलरी है, दिस इज बेसिकली अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, अ मैटर ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर देम. और ये अब हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं. बिल्कुल अमीर, आप क्या कहेंगे? यू हैव सीन हुमा वर्क विद देम क्लोजली. और बिल्कुल जब ये कैंप शुरू हुए, इन लड़कियों को समझे सुई में धागा डालना भी नहीं आता था. उस स्टेज से इनको कलर टेक्निक्स, पैलेट्स, डिजाइन, इन सबकी एक तरह से तमीज सिखाना, इन सबका हुनर सिखाना, आप क्या समझते हैं कि हाउ डिड यू नोटिस द एवोल्यूशन इन देयर ओन पर्सनैलिटीज वाया दिस ट्रांसफरेबल स्किल? For anything to happen, what you really need to believe is in some form of magic. True. तो इस पूरे सिलसिले में जिसमें आप एक क्रूड सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ले लें, जो ह्यूमंस तो हैं बट वो स्किल्ड नहीं हैं, उनसे एक ब्यूटिफुल क्राफ्ट निकालना इज नथिंग लेस देन मैजिक. एंड इस पूरे इसमें द की कॉम्पोनेंट इज हुमा. Although I should be saying this behind her back, I'm saying in front of her. But it's her passion, it's her magic touch. और हुमा की ये जो एक मुसलसल चाहत है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना, और वो गिव अप नहीं करती हैं. और हुमा की सबसे अच्छी बात यह है कि वो चीज़ ढूंढ लेती हैं जो औरों को नहीं नज़र आती. तो उन्होंने इन रेफ्यूजीज में वो होप देखा जो उनकी आंखों में था. मगर उस होप को देखते तो सब हैं, बट उसको ट्रांसलेट किस तरह करते हैं एक मटेरियल टैंजेबल प्रोडक्ट में, जिससे वो होप मटीरियलाइज होकर जो वो करना चाहते हैं वो हो जाए. बेसिकली इन औरतों को एक जीने का एक वसीला चाहिए था कि वो इतने पैसे कमा सकें कि वो इज्जत से खुद अपनी कमाई कर सकें, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े. क्योंकि इनके पास इनके शोहर नहीं है, बेटे नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, टोपोग्राफी, एनवायरनमेंट, शहर सब बदल गया, ज़बान नहीं जानती, ये अकेली है, बच्चियों के साथ है, पर्दा करती है, और एनवायरनमेंट इनका कंड्यूसिव नहीं है कि बाहर जाके काम तलाश कर सके. तो ऐसे माहौल में ये इंसान, ये जो औरतें हैं, कैसे सर्वाइव करेंगी? मैं खुद ऑलमोस्ट एक रेफ्यूजी रह चुका हूँ एज अ चाइल्ड. जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी 71 में, तो हम 2 साल जंगी कैदी बन गए थे और उसके बाद हम पाकिस्तान आए थे. तो आई नो कि किस मुसीबत से हम गुजरे थे. और दो, हम पाकिस्तानी थे, ये तो पाकिस्तानीज भी नहीं है, तो इस टेरेन से नहीं है. तो इनको एक होप देना, जब हुमा ने इनसे पहली मुलाकात की थी और उनको बताया था कि मैं आपको एक क्राफ्ट सिखाऊंगी जो जाके बिकेगा और उसकी उजरत आपको मिलेगी, तो वो उनकी आंखों में एक चमक आई थी और वो अब एक साल के बाद मटेरियलाइज हो गई है. अच्छा, आप क्या कहेंगे हुमा के, यू हैव बीन एसोसिएटेड टू द इन दिस डायनामिक फील्ड ऑफ फैशन एंड स्टाइलिंग फॉर डेकेड्स, हाउ डिड दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, द क्राफ्ट स्टोरीज, हाउ डिड इट चेंज यू एज अ पर्सन? यू नो, आई थिंक आई फील दैट आई हैव आल्सो इवॉल्वड, आई हैव आल्सो ग्रोन विद टाइम, आई हैव आल्सो मैच्योर्ड. और मुझे ये लगता है कि मैं देखिए, डिजाइनिंग मैंने बेसिकली आई वेंट, I'm going through, I think, self-actualization now. I want to actually अपने आप को मैंने explore किया है, और उसमें मुझे ये पता चला है कि fashion मैंने कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, but what next? How can I benefit others? मैं दूसरों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती हूं? और मेरे सामने ये जो रेफ्यूजीज का ये पूरा प्रोजेक्ट आया, आई थॉट दिस इज समथिंग दैट आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विद, बिकॉज अदान हैज़ बीन टेलिंग अ स्टोरीज के किस तरह ये लोग आए एज रेफ्यूजीज इनटू पाकिस्तान. और मोर देन दैट, मुझे जो होप नज़र आई इन लोगों में, जो लर्निंग कर्व से मैं खुद गुजरी हूँ विद दैम, सो इट वॉज लाइक अ टीम एफर्ट. इट वॉज जस्ट मी टीचिंग दैम, इट वॉज अस टीचिंग ईच अदर. इनकी स्टोरीज को सुनना, इनकी बातें सुनना, इनको काउंसिल करना कॉन्स्टेंटली, इनको इनकी प्रॉब्लम्स को किसी तरह से कोशिश करके सॉल्व करना. तो इट वॉजेंट जस्ट अ स्मॉल पार्ट के ज्वेलरी बनी है, इट देयर वॉज अ लॉट बिहाइंड इट. और तो आई थिंक ये जो साल गुजरा है, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था इन एक्चुअली अपने आप को समझने के लिए, लाइक यू नो हाउ आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ. यस, और इसी चीज को अगर मैं आगे लेके चलती हूँ,
Amir Adnan made fashion into a successful business unit and a business story even before it was in vogue or fashionable to say actually main ek entrepreneur hu. And I remember Amir, you coming to a lot of these conferences speaking to business graduates unko ye batana ki apne passion ko ek sustainable business kaise banaye. Aapne dekha ki ek unfortunately mayusi ki fiza thi Pakistan mein 2019 mein. People were saying businesses are shutting down, they're going through troubled waters. आप 2020 के लिए बिजनेस वाइज इंडस्ट्री वाइज क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए 2019 मेरा बिलीव ये है कि जब सिचुएशन ग्रिम होती है या आपको उम्मीद नहीं नजर आती है वहीं पे सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आती है. क्योंकि जब टाइड जब आपके लिए हर चीज खराब नजर आ रही हो उसी में आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो आप उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं. तो 2019 हमारे लिए बहुत अच्छा साल गुजरा. हमें ऑल्दो वैसे बिजनेस नहीं था बट वी टर्न्ड एवरीथिंग अराउंड. अब हम 2020 के लिए बहुत पूर्व उम्मीद है. सबसे अच्छी बात यह है कि हम उन लोगों में से थे जो सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है. और 2019 में जो जनरल फिजा आई है वो ये है कि टैक्सेशन इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया. FBR ने कहा कि जो रिटेल यूनिट्स हैं वो अगर टैक्सेस देने लग जाए तो उनको हम सेल्स टैक्स कम चार्ज करेंगे उनके लिए. तो हमारे लिए बहुत प्रोग्रेसिव बात थी क्योंकि हम पहले से ये कर रहे थे. Now was the time to reap the benefit of it. To reap the benefit. Yes. क्योंकि इतने सालों से we were making sure that all our books are clear. अब जब सारी लोग करने वाले थे तो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम. अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी और लगी कि व्हेन यू नो व्हेन योर चिल्ड्रन ग्रो अप एंड दे ऑलवेज कम विद ब्रिमिंग विद आइडियाज, उनको इनकॉर्पोरेट करने से भी आपको एक एज एक बिजनेस एडवांटेज मिलता है. सो देयर डॉटर परीशा रिसेंटली ज्वाइन देयर स्कीम ऑफ वर्क और उसमें मुझे हुमा बता रही थी और आज मैं शुरुआत में भी प्रोग्राम में बात करी थी कि वो फील्ड जो कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशन होंगे उसमें एक हमारे लिए बड़ा अहम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो एनालिस्ट एंड मैनेजर्स हैं. सो परीशे प्रूव टू बी इन द हाउस ऑफ अमीर अदनान दैट ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफिसर बिकॉज लॉजिस्टिक्स से लेके सप्लाई चेन तक सबको ऑटोमेट किया. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? ऑल बिजनेस एनालिटिक्स, राइट. ऑल्दो आई एम अ फाइनेंस मेजर मायसेल्फ बट आई डिड दैट लॉन्ग टाइम अगो. हुमा इज अ मार्केटिंग मेजर. हम दोनों ने एमबीए किया हुआ है बट हमारी स्किल्स आज से लाइक यू नो 20-25 साल पुरानी है. बट परीशे कमिंग इन नाउ विद बिजनेस एनालिटिक्स, she's the one who modernized everything. Transformed it. बिल्कुल transformed it. अगर किसी बच्चे के पास आपकी एक inherent skill हो जो आपने काम किया हुआ है, so she knows the house very well, and she also knows technology. तो वो जो merger है, that was fabulous for us. So I think what is really मुझे इस पूरी conversation में जो एक चीज मैं यहाँ पे highlight करना चाहूँगी, it's about transferable skills and about hybrid combinations. यानी अगर आप अपने आप को business analytics का specialist समझते हैं, तो ये मत समझिए ये किसी dry industry में ही apply होगी. Even a very glamorous, vibrant field like fashion can equally make use of it. So Huma, your advice to young people who are watching this and are still thinking, 2020 पता नहीं क्या लेके आएगा, हमें professionally क्या करना चाहिए? What's your advice to them? I think firstly, children of the future, they need to understand ek baat ke what are their strengths and what are their weaknesses and what are their interests. Like beshak maa baap chahe doctor bane, banker bane, businessman bane, but what exactly the child is looking for, he should pursue that. Right. If he wants to go into business analytics or he wants to go into fashion or whatever, magar wo interest bahut zaruri hai aur more than that usme bahut mehnat ki bhi zarurat hai. To most important I feel is the you know it has to be a collaboration of interest of the child and also what is going to help him in future. Wonderful. So ek aakhri sawal aap dono se karna chahungi very quickly, what's your 2020 ka resolution? Okay, now this is a question I've been asked for by a lot of people, especially media ki taraf se mujhe bahut questions aa rahe hain aajkal. I think my 2020 motto is if you want a general one, it is I just feel that we should just let people be the way they are. Yeah. We should let them do what they want to do. And if you want a personal this thing, I know it's going to be boring, but yes, I want to lose weight. That's not going to happen. We must show support. Yes. And belief. Yeah. It will happen. It's not just about losing weight, it's about getting fit. Yes. Feeling great about yourself. Yeah. But I'm sure you really light up the room, so you make us feel great. I'm sure you will as well. Amir, your resolution for 2020? My resolution is
I firmly believe that happiness is a state of mind. तो अगर आप खुद अपने आप से खुश नहीं है तो आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते hmm. और खुद so अपने आप से आप तब खुश होते हैं जब आपके पास जो भी सिचुएशन है you're content with it and you're happy. True. You just have to realize that. True. तो my resolution is I am going to be happy with myself so I can make everybody around me happy. Cool. So my objective for 2020 is benefit as many people as possible, चाहे वो मेरी family हो, मेरे workers हो, all the lives that I touch, even my customers for that matter. So I need to make everybody happy. I think that is a brilliant thought to have, and most importantly, begin with yourself. Happiness is a journey that begins with making yourself happy. Thank you so much, Amir and Huma, for being here. It was a pleasure to have you both, and you're such a power duo that brings in hope and integrity to anything that they touch upon. Lete hain ji ek chhota sa break. We'll be right back. Keep watching Aaj Pakistan. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. नया साल है जी, शुरुआत है. हमने कहा थोड़ा थोड़ा अकल्ट साइंसेस से भी, यानी जो छुपे हुए उलूम होते हैं उनसे भी थोड़ी सी रहनुमाई ली जाए. और अब गाइडेंस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असगर शहीदी साहब, जो कि इल्म नुजूम, आदाद और जेम स्टोन से आपको फ्यूचर के लिए गाइडेंस देते हैं. इसके अलावा उनसा शाह भी हैं, हुज़ अ टैरो कार्ड एक्सपर्ट. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू, सेम टू यू. कैसा गुजरा न्यू ईयर ईव पे, क्या किया? उनसा आप बताएं सबसे पहले, सेलिब्रेट कहाँ थी इस दफा? फैमिली के साथ obviously, और कुछ रिकॉर्डिंग्स टैरो कार्ड्स के हिसाब से डिफरेंट चैनल्स पे. ओके ओके. तो चलें जी शुरुआत करते हैं. असगर साहब, सबसे पहले बताएं 2020 जो कि टोटल होके बनता है नंबर 4, ये किसके लिए माफिक साल साबित होगा, ऑस्पिशियस होगा, और किन को थोड़ी सी एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, बात यह है कि ये लियो के लिए, कैंसर के लिए, एरीज के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत बेहतरीन है. ओके, चारों के लिए बहुत बेहतरीन है, और आने वाला वक्त जो है काफ़ी बेहतर है. और मैं ये देखता हूँ कि चारों लोग जो हैं बहुत सक्सेसफुल रहेंगे साल के अंदर, और ये बेहतरीन टाइम है इन लोगों के लिए, इन स्टार्स के हवाले से अच्छा साबित होगा इन लोगों के लिए. और अदद जो आप चार बता रही हैं, चार का अदद बहुत इक्वल होता है. इक्वल से मुराद ये है कि ना ज़्यादा अपग्रेड होता है, लोग दरमियानी पोजिशन में चार का ग्रेड अदद रहता है. और चार के अदद वाले लोग जो अमूमन होते हैं, वो एक तो ये आपको बताऊं कि इनिशिएटिव होते हैं, खुश अखलाक कह लें, और सबसे बड़ी बात यह कि अदब होता है, और जिसके पास अदब होता है उसका इल्म होता है. अच्छा, जैसे आपने नंबर्स का बताया और जोडियाक स्टार से बताया, असगर साहब जिनका डेट ऑफ बर्थ अगर टोटल की जाए, जैसे दिन, साल, महीना अगर टोटल करके, कौन से नंबर्स के लिए ये चार वाला साल, यानी 2020 का टोटल हो रहा है 4, और आपका टोटल क्या हो, यानी जैसे कहते हैं ना लाइफ पाथ नंबर भी इसको कहा जाता है, आपका डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, किस डेस्टिनी नंबर के लिए 2020 बेस्ट होगा? जैसे 24 है, 22 है, तो चार का दस बन गया. सही, जहाँ चार का दस बनेगा, वो चार का दस कहीं भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे. जिसका अपना बर्थडे टोटल होके 4 हो रहा हो, तो उसके लिए वो आदत बहुत बेहतरीन रहेगा. अब वो किसी भी काम में करे, वो उससे बॉन्ड खरीद ले, सफर करे, या कोई इंटरव्यू के लिए जाए, या कोई ऐसी जगह जा रहा है जो अगर उस तारीख में, तो डेफिनेटली ही विल बी सक्सेसफुल. अच्छा, अब सबसे पहले अगर टैरोज आप पुल करोगे उनसा, तो मैं अगर आपसे सवाल करूं, सवाल ये है कि 2020 में किस चीज के बारे, किस चीज को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लेट गो इन 2020, और उसके लिए आपने एक कार्ड पुल करना है ताकि मेरे देखने वालों को ये पता चले. ये जेनेरिक एक एडवाइस है सबके लिए कि क्या चीज आप 2019 की तरह पीछे छोड़ दीजिए, साल 2020 में इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या होगी? लेट्स फाइंड आउट. जी, कार्ड निकला है पेज ऑफ सोर्ड. पेज ऑफ सोर्ड्स, तो ये अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, बैड न्यूज का कार्ड है. तो जिस चीज में आपको फील हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे माइंड में आ रहे हैं, या लड़ाई झगड़े हैं, फाइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए. या डिफिकल्टीज आपके लास्ट ईयर आई हैं 2000, अब आपको सोचना चाहिए कि किस चीज में आपको डिफिकल्टीज आई हैं. तो इसमें करियर हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, जिसमें आपका नजर आ रहा है कि आपने कॉम्प्लिकेशंस फेस की हैं,
तो उसको आपको थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए। अच्छा, मुझे देखना चाहिए कि जब अगर किंग ऑफ सॉर्ड या क्वीन ऑफ सॉर्ड निकलता है तब तो कहते हैं कि इसमें रिजॉल्व बड़ा स्ट्रांग है, इसको कट ऑफ करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ये बेचारा पेज ऑफ सॉर्ड निकला है तो क्योंकि इमैच्योरिटी है इसमें, इमैच्योरिटी है, पेज है, न्यूज है। अब किंग और क्वीन जो है हम उसको भी ये भी एनालिटिकल थिंकर भी कहते हैं, आप उनसे मशवरा भी कर सकते हैं। उनका कहते हैं कि जो रिजॉल्व है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है, उनको डिफिकल्टी नहीं होती कट ऑफ करने में। लेकिन जब लेट गो में पेज ऑफ सॉर्ड्स निकला है इसका ऑलरेडी मतलब है कि आपकी ख्वाहिश तो है कि इन चीजों को पीछे छोड़ दें लेकिन आप कर नहीं पा रहे। मैच्योरिटी नहीं है आपकी। इसी चीज को अगर मैं लेके जाऊं कि जो लोग लेट गो करना चाहते हैं, असगर साहब, कोई भी परेशानी है, कोई आपसी झगड़ा है, कोई ऐसा स्टोन या जेम जो उसकी इसमें हेल्प करता हो? इसमें देखें मैम, दो इसमें स्टोन्स हैं जो इसमें इससे बहुत इसके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, और दोनों स्टोन्स का भी मेरी इनसे हंसा से बात हो रही थी। ये दोनों स्टोन इस सिलसिले में पहने जा सकते हैं। एक तो अकीक, जिसको हम अगेट्स कहते हैं, अगर वो यमनी है तो कर्नेलियन कहलाएगा, और दूसरा फिरोजा। ये दो स्टोन्स वो हैं जो आप अगर इसमें पहनते, इसमें पहनने के लिए ये जितने भी अच्छे असरात हैं वो ज़िंदगी पे आपके मुरतब होंगे। मैंने एक बात वो भी नोट की थी, कही थी इनसे भी बाद में, मैंने कहा इरशाद रसूल भी है, विद रेफरेंस बात हो रही है, अगर आप कहेंगे तो शो हो जाएगा कि जिस हाथ में फिरोजे या अंगूठी हो और कोई भी परेशानी या दुआ करे परवरदिगार से अपने लिए, तो खुदा कहता है कि मैं इसकी दुआ को रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसकी कोई ना कोई रास्ता निकल आ जाता है। और खास तौर पे जब हम अगेट और कार्नेलियंस की बात करते, कहता है कि आपके गुस्से को ठंडा करता है, आपको एक साउंड माइंडेड तरीके से डिसीजन लेने की आप में एक मिजाज में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आ रहा है, हर चीज को वो एब्जॉर्ब कर लेता अपने में। अच्छा, ये सारा कॉस्मिक रेस का सारा वो। अच्छा, अब जरा बड़े बड़े सवालों की तरफ आ जाते हैं, जिनके लिए 2020 में सबसे बड़ा क्वेश्चन या सबसे बड़ी कंसर्न हेल्थ है। अल्लाह ताला सबको सेहत और शिफा अदा करे, लेकिन खास तौर पे वो लोग जिनको किसी परेशानी में है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसका सहारा, जिसके कोई वे आउट नहीं मिल रहा, उनसा उसके लिए अगर कार्ड ड्रॉ किया जाए, हेल्थ एडवाइस, जेनेरिक एडवाइस है, ये सबके लिए जनरलाइज है, टेक व्हाट अप्लाइज टू यू, और अगर आप पे अप्लाई नहीं करता तो उसको तोड़ मड़ोड़ के अपने ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हेल्थ एडवाइस फॉर 2020। ओके, इसके लिए आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कॉपरेशन का कार्ड है, पार्टनरशिप का भी कार्ड है, ये एक्शन लेने का भी कार्ड है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, और कुछ लोगों को मेंटल इश्यूज भी होते हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और वो सोचते ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इसके लिए एक्शन आप लें, मतलब आप कंसल्टेशन ज़रूर करें। ये नहीं कि घर में बैठ के आप सोच रहे हैं और डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट हो रहे हैं, या अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं तो ज़रूर कंसल्ट ज़रूर करें पार्टनर, मतलब आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। ठीक है, यानी आप रीच आउट करें फॉर हेल्प, व्हेन यू वांट हेल्प प्लीज आस्क फॉर इट। अगला सवाल उनसा यही कि अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो कई लोगों ने 2019 में अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाया, यानी जहां हैं उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना या अगला स्टेप लेने में थोड़ी हिचकिचाहट भी है। तो अगर आप अपने आप को ऐसे प्रोफेशनल क्रॉस रोड्स पे पाएं कि कारोबार में ज्यादा इन्वेस्ट करें या पुल आउट करें या कौन सा रास्ता चुनें, तो कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं? इसके लिए स्टार का भी कार्ड है, होप्स का कार्ड है, फेथ का कार्ड है। होपफुल रहें, पॉजिटिव सोचें, फेथ रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें। और दूसरा ये है कि आप सेविंग ज़रूर करें, जो भी प्रॉफिट होता है उसका कितना भी, जितना भी आपकी इनकम है उसका थोड़ा सा अमाउंट आप ज़रूर सदका खैरात ज़रूर किया करें। सही। और उसके अलावा और एक जो पार्ट है उसको आप सेविंग में रखें। राइट, ठीक है, यानी आपके लिए सेव फॉर अ रेनी डे जैसे कहा जाता है, जब इनकम अच्छी है, जब चीजें अच्छी चल रही हैं, तब आपको ये करना चाहिए। असर साहब, ये बताइए कि हुकूमती मामलात, यानी जो हमारे लीडर्स हैं, लोगों ने कहा और इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि साल 2019 मुश्किलों का साल था हुकूमत के लिए भी, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी, 2020 उनके ख्याल में अच्छा होगा। सितारे, आपकी उलूम क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिये, इमरान खान का नाम तो बहुत आगे तक नजर आ रहा है। एक तो वो खुद इमरान खान है, फिर कुरान में सूरह आले इमरान भी है, फिर मौला के अली का नाम, वालिद का नाम भी इमरान, मूसा के वालिद का नाम भी इमरान। ये नाम वो है कि खुदा इस नाम को कभी इसको तस्जील नहीं करता, ये नाम हमेशा अरूज पे रहता है। और दूसरी बात ये कि जो ये निज़ाम अभी आने वाला है, मैं आपको पहले बता दूँ
ये निज़ाम नहीं आएगा जो अभी निज़ाम चल रहा है। पाकिस्तान के लिए साल 2020 आप क्या समझते हैं, खुदा न खास्ता मुश्किलात या चैलेंजेस को आसान होता हुआ देख रहे हैं या और बढ़ता हुआ देख? आसान होता हुआ काफी देख रहे हैं, इसमें शक्ल एक वाजे नजर आ जाएगी जी। और बहुत वाजे शक्ल नजर आ जाएगी क्योंकि निज़ाम जब हो रहा है तब्दील, आपको पहले बता दूँ इस्लामी सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं और ये आपके अंदाजे मेरा अपना इल्म है। मैं किसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कि लागू नहीं कर रहा, ये मेरी अपना अपनी सोच है, मेरा अपना इल्म है जो मैंने पढ़ा। मैं वो था इसको इस तरह ले लीजिए कि कोई मौजूदा निज़ाम से तब्दील निज़ाम को आप देख रहे हैं। तब्दीली निज़ाम को मैं देख रहा हूँ और उसमें जो मैं, ये मेरी अपनी राय है, मैं किसी पर उस पर वो नहीं कर रहा। और मैं ये समझता हूँ कि भी आने वाले वक्तों में इमरान खान असेंबलियाँ खुद तोड़ देंगे और एज अ प्राइम मिनिस्टर वो मार्च में आखिरी खिताब कौम से करेंगे। अच्छा मुझे एक बताएं, अगर इसी बात के यू नो आगे जाते हुए कई लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खुद तो सितारे बहुत उरूज पर हैं या उनके लिए ऑस्पिशियस हैं, लकी हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द की टीम, आप क्या देखते हैं कि 2020 में कोई उनके करीबी लोगों में तब्दीली नजर आ रही है, कोई ऐसा नाम जो अभी बहुत करीब है लेकिन बाद में आपको लगता है कि इस साल के आगे चलते चलते सिदरा इनके करीब नजर नहीं आएगा? सिदरा मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी जो मौजूदा टीम है इसमें से सिर्फ 3 आदमी होंगे जो नई टीम में इनके शामिल होंगे। अच्छा, वो 3 नाम आप हमें बताएंगे? नहीं, उसमें से मैं एक नाम आपको बता रहा हूँ, 3 तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा। कुछ वजूहत है, जुल्फी बुखारी का नाम है जी, और 2 नाम और हैं। अच्छा। जो इनके साथ होंगे 3-4 नाम है जो इनके साथ, नई टीम में इनका कोई नहीं है। और उसमें 2 नाम है, मैं आपको पहले बता दूँ, एक राहिल शरीफ साहब का नाम है, ये मैं कई चैनल को इंटरव्यू दे चुका हूँ, एक इमरान खान का नाम है। ये सदर की शक्ल में सामने आएंगे लोग या ये खलीफा की शक्ल में रहा है? क्योंकि इस्लामी शेख, इस्लामी कानून इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये बात याद रखिए, हर केस का फैसला 2-4 हफ्ते में हो जाएगा। हर अच्छा, केस स्पीडी जस्टिस जिस तरह कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अच्छा है कि हम जल्द अज जल्द फैसले करें। उनसे आपकी तरफ आना चाहूंगी, मोहब्बत और रिश्ते और पर्सनल लाइफ ये भी लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जनरल गाइडेंस फॉर एवरीबडी वॉचिंग दिस शो, अगर उनका मसला या उनका की कंसर्न इस पर पर्सनल लाइफ, लव रिलेशनशिप्स, रोमांस या फिर शादी से रिलेटेड मामला आते हैं, उनके लिए कार्ड्स उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? गाइडेंस के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, ये बैलेंस करने का कार्ड भी है, वेटिंग का भी है, जिनके रिश्ते नहीं आए, थोड़ा सा डिले भी नज़र आ रहा है मुझे, और अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, देखें कि किस चीज़ में आपको हर्डल्स फील हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में, और जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनको आप रेड चीज़ों का भी सदका दे सकते हैं। अच्छा। जैसे रेड कलर की दाल हो गई, रेड कलर का कपड़ा हो गया, ये रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज़ हैं या जिनकी शादियां डिले हैं या इंगेजमेंट हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, ये उन उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल क्या देखती हैं उनसे 2019? मैंने जनरली लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा कि स्लो साल है, मुश्किल साल है, भारी साल है। आप इन दोनों सालों को अगर कंपेयर करती हैं तो 2020 के लिए आप होपफुल हैं या आपको लग रहा है कि अभी खतरा या चैलेंजेस टले नहीं हैं? 2020 बेसिकली जो जिन का जो स्टार, जिनका जो एलिमेंट फायर और वाटर है, उनका मुझे नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप इश्यूज जो 2019 में जिनको फेस करने पड़े हैं वो 2020 में उनके रिजॉल्व हो जाएंगे। okay. और जिनमें डिलेज हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ठीक है। जिनके एरीज हो गया, सेजिटेरियस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, कैंसर हो गया, पाइसिस हो गया, तो इनके मामला जो हैं काफ़ी बेहतरी की तरफ आएंगे। ओके, वंडरफुल। सो फायर साइंस और वाटर साइंस के लिए 2020 आप कहती हैं बेहतर होगा। उसके साथ जनरली मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं, कोई एक एडवाइस, किसको मुहतात रहने की जरूरत है, कोई एक सितारा, हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं लेकिन एक सितारा है जिसको आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात से काम लेनी चाहिए? स्कॉर्पियोज। इसकी कोई ख़ास वजह? इसलिए कि देखिए, जब रेस निकलती हैं तो हर प्लैनेट से रेस निकलती हैं, और आपने जंत्री में पढ़ा होगा कई किताबें, कमर द अकरब यह है कि जो स्कॉर्पियो से जो रेस निकलती है बहुत ही ख़तरनाक होती है, और हर महीने में 2-3 दिन कमर द अकरब के होते हैं। तो अगर स्कॉर्पियो से उस दिन अगर कसरत से आप दुरूद पढ़ें या 2 रकत नमाज़ पढ़ लें तो वो बेहतर रहेगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए यह है कि फजर की नमाज़ लाजमी पढ़ें,
और वैसे भी सबको पढ़ने चाहिए, वैसे तो सारों को पढ़ने चाहिए, मैं भी कॉपी हूँ वैसे। जी, तो आपको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मैं ये बड़े गौर से सुन रही हूँ कि स्कॉर्पियो और ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी आ जाता है। लेकिन जनाब, ये गाइडेंस की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम उलूम में कहीं ना कहीं ये हकीकत मौजूद है कि आपको गाइड करती है, लेकिन फिर भी दुआ से किस्मतें बदल जाती है और आपके अपने डिसिप्लिन से हर मोमेंट टू मोमेंट आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ उनसा असगर शहीदी साहब, आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो, खुदा आपको सलामत रखे, आपकी टीम को सलामत रखे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी दुआओं के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। नए साल का आगाज उम्मीदों और उमंगों के साथ। यकीनन आप देख सकते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि जी कैलेंडर बदल रहा है, तारीख बदल रही है, ना किस्मत बदलती है ना रूटीन, तो ये तब्दीली आपको खुद अपने अंदर लेके आनी है। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा वीकेंड भी नहीं मिला, छुट्टी भी मारी गई, तो हमने पब्लिक से ये ओपिनियन लिया कि इस वक्त आपको साल 2020 का आगाज़ कैसा लग रहा है। तकरीबात में मसरूफ़ हैं, थोड़ी बहुत शायद आतिशबाजी आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, या फिर अगर किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर इसका अहतमाम किया गया तो ज़रूर देखी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी एनुअल लीव को बचा कर रखते हैं और दिसंबर के महीने में ही लेते हैं ताकि ज़रा भरपूर अंदाज में इंजॉय कर सकें। इस दफ़ा भी आपने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद लोगों ने सेविंग्स भी की, पैसे भी बचाए, छुट्टियाँ भी बचाएँ और न्यू ईयर को पाकिस्तान से बाहर सेलिब्रेट किया। आज मैं अपने मेहमानों से पहला सवाल यही करूँगी कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना पाकिस्तान की नस्बत बाहर ज़्यादा मज़ेदार है या फिर पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने का अपना ही मज़ा है। कुछ लोगों के लिए इसका जवाब बहुत ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी जानते हैं हमारे मेहमानों से। आज जो हमारा पैनल है, इनको आप रेगुलरली मेरे शोज पे देखते हैं, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि नए साल का आगाज दोस्तों के बीच में ही होना चाहिए, तो इसी हवाले से हमने इनको आज भी दावत दी है। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मौजूद हैं मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। अल्लाह मियां इस साल हमारे मुल्क में जरा थोड़ी सस्ताई हो, लोग खुश रहें और अमन हो और सब में प्यार मोहब्बत हो। एक बात है और यही बात है कि हमारे बुजुर्गों की दुआओं के साथ इस प्रोग्राम का हमने आगाज किया है। और जो बाकी मेहमान हैं उनका भी यहाँ पे तारुफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड थ्री लेडीज, उफेरा, वर्दा एंड अम्ब्रीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिदरा, कैसे हैं? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। न्यू ईयर है, कल मैंने जो मेहमान अपने बुलाए वो लग रहा था सारे एक ही पार्टी से आए हैं, थीम पार्टी से आए, सब ने ब्लैक पहना हुआ था। हाँ जी, आप भी थी उसमें, तो आप मेरी तंबीह के बाद आपने कहा नहीं अब जरा रंग पहन लेने कलर पहन लेना चाहिए। कलर्स का वर्दा कुछ पर्सनालिटी पे असर पड़ता है? बहुत पड़ता है, मेरे हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। और मैं बहुत ज्यादा, मुझे कलर्स बहुत पसंद है, लाइक मैं हर तरह के कलर्स पसंद करती हूँ और ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट भी करता है आई गेस। और उससे आपके एक पर्सनालिटी पे और एक आपकी सोल इफेक्ट भी जो है वो बहुत उससे मैटर करता है। थोड़ी सी ना रमजान जैसे फील आ रही है, जैसे पहले रोजे के बाद आप लोगों से कहते हैं रमजान कैसा गुजर रहा है, कहते हैं अभी तक तो पूरे रोजे जा रहे हैं। आज 2 जनवरी और बिकॉज बच्चों का वेकेशन आर्ट भी था और वो सारी चीजें, तो वी जस्ट अब वो था कि जाने तो जल्दी भी वापस आने, बिकॉज टुमारो इज द स्कूल, हमारे तो छुट्टियां होती नहीं है, तो वो वाली चीजें थी, बट वी सेलिब्रेटेड। मुझे ये बताएं उफेरा के सर्दियां के साथ साथ एक तो तकरीबात आती हैं, शादियां आती हैं, और फिर जो बिन बुलाए मेहमान नज़ला जुकाम आ जाते हैं। एग्जैक्टली ने थोड़ा मेरे ख्याल में मजाक किरकिरा किया बहुत ज्यादा इस दिसंबर में, बहुत वायरल था। बट ये कि थोड़ी सी आपको पहले से अवेयरनेस हो, आप केयर करते रहें, तो वो फिर घर में दाखिल होने होते हुए भी सोचते हैं कि बच्चों की खिलाई पिलाई में इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वैसे रखें, प्लस केयर हाइजीन केयर, तो नहीं इतना ज्यादा नहीं होता। नए साल से पहले 2019 की मुबारकबादी ड्यू है, आपकी किताब भी माशाल्लाह आई। मीन कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है बुक को? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि अभी अमेरिका से वापसी हुई है कुछ दिन पहले ही, वहाँ पर 10 स्टेट्स में मुशायरे थे, तो किताब पाकिस्तान से पहले अमेरिका पहुंच गई, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और अब यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत पसंद की जा रही है। तकरीब, एक तो बहुत माजरत कि मैं उस तकरीब में शामिल नहीं हो सकी, आर्ट्स काउंसिल में आपने बाकायदा तकरीब रोनमाई की थी, तो ज़्यादातर इसमें जो शायरी है वो किस हवाले से है? इसमें ज़्यादातर शायरी, हमने एक ये तजुर्बा किया है कि हम लोग ये शिकायत करते रहे कि उर्दू शायरी में जो औरत का जिक्र होता था तो वो दिमाग के बगैर थी, सिर्फ जिस्म था। लेकिन फिर हुआ ये कि चूंकि उस वक्त ज़रूरी था ये बताना कि औरत के पास दिमाग भी है, तो जब औरतों ने शायरी शुरू की तो औरत का दिल कहीं रह गया,
तो हमारा क्लेम ये है कि मुकम्मल औरत वो है जिसके पास दिल भी हो और दिमाग भी। बिल्कुल। तो हम शायरी में कोशिश करते हैं औरत की लताफत भी, उसकी जहानत भी दोनों सामने आए। अच्छा, ये बड़ी मुकम्मल औरत बात आपने इसलिए की है क्योंकि 2019 में अगर देखें, चाहे वो पॉपुलर डिबेट रही मिसेस खान, एवरीबडी आपका भी, बल्कि यू नो एक तरह से उसके एक अटैकिंग मोड में आपकी तरफ भी आया, यू हैड टू गो ऑन डिफेंसिव। ये जो राय है लोगों की कि आज की खवातीन और पहले ज़माने में, आज लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम है, पावर है, या आप समझती हैं कि 70s में 80s में वुमेन वर मोर एम्पावर्ड? देखें, हम अगर अपना ज़माना देखें, हम समझते हैं कि उस वक्त भी जो पढ़ी लिखी खवातीन थी वो ज़्यादा अवेयर थी, और उस ज़माने के जो ये आपका न्यू ईयर पार्टीज थी वो तो आज तक मैंने कभी देखी नहीं। आपको पता है, एक दफ़ा न्यू ईयर पार्टी में आई वॉज इन्वाइटेड, द फैमिली वॉज इन्वाइटेड एट हॉक्सवे। एवरी तीसरी हट सजी हुई होती थी, हॉक्सबे एंड सेंट्स पिट इस कदर खूबसूरत सजी हुई होती थी, और ढाइंड ढाइंड और डांसेस हो रहे हैं, वो तो आजकल के बच्चों ने कभी देखे ही नहीं होंगे जो हमने 80s में 90s के शुरू ऐसे थोड़ी देखे। उनको रॉकिंग रोलिंग 70s माय गॉड, मैं कहती हूँ हम भी डांस कर रहे होते थे जब उनको देखते थे, तो हम भी अपने हस्बैंड के साथ ऑन द फ्लोर चले जाते थे इस तरह की। तो आपने इन बच्चों ने कभी डांस पार्टीज नहीं देखी होंगी इस तरह की, उन्होंने कभी न्यू ईयर नाइट्स ही नहीं एंजॉय की होंगी जो पीसीज मैरियट्स और ये अपना ये शुरू में कौन सा एक और होटल है के सामने मेट्रोपोल, इधर फ्लोर्स फुल होते थे। अच्छा, उसके बाद आपको पता आहिस्ता आहिस्ता उनको अलाउ नहीं किया गया कि आप ये डांस पार्टी रखें। जो हम चेंजेस लेके आए हैं, जब आपके तो ऐसा लगता है पहले हम मौके ढूंढते थे सेलिब्रेट करने के, और ऐसा नहीं था कि अगर न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रही है, और सी साइड पर भी आप देखें किस कदर लोग जाते थे अपने साइलेंसर फाड़ के, और किस कदर रश, अब तो बंद कर देते हैं। हमारे जमाने में तो इतना हुजूम होता था, इतना मजा आता था, हर कोई होटल में जगह नहीं होती थी कोई वहां पे। आप मैं तो आई वो शॉक्ड जब मैं उस जमाने में लेट 80s या बिगनिंग लेट 80s में गई थी वहां पे सी साइड हॉक्स में, मैं देख रही हूँ या अल्लाह उधर हट्स इतनी सजी हुई है, उधर क्या म्यूजिक बज रहे हैं, और कहां एक एक मील दूर तक आवाजें जा रही हैं म्यूजिक की, लवली। मैं वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा न्यू ईयर स्पेशल, और बात हो रही थी कि ये नया साल लोगों के लिए उम्मीद तो लेके आया है लेकिन रेजोल्यूशंस भी लाया है। हमेशा की तरह जी जनवरी के महीने में हमने रिजॉल्व किया है कि बुरी आदतों को ख़त्म करेंगे, अपने साथ सेल्फ कंपैशन से रहेंगे, और जो अपने ख्वाब हैं उनके साथ ट्रूथफुली इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। कई दफ़ा आप देखें हम चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं कि हालात अच्छे नहीं थे, घर वालों ने रोक दिया, फलाने शख्स के रिएक्शन से मैं अफसरदा हो गया या दिल बर्दाश्ता हो गया। All those excuses do not belong in 2020. ये सारा baggage हमें पिछले साल के साथ अब दूर कर देना है, और इसीलिए हम देखते हैं कि life coaches आपको recommend करते हैं। कल भी मैंने ये बात की थी, आपने सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया और कहा actionable goals आपके होने चाहिए। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं social media की negativity से अपने आप को कट ऑफ करूँगा। Put down the rule and say कि जी अब रात 8 बजे के बाद I will not be online, और ना मैं social media check करूँगा ना देखूँगा। सिर्फ ये कह देना कि मैं वजन लूज करूँगी is going to be a big again a very blanket statement. उसके लिए छोटे छोटे यू नो हदफ बनाइए कि आज एटलीस्ट मैं 20 मिनट्स वॉक करूंगी, या हफ्ते में 3 दिन मैं जिम करूंगी, या खाने का पोर्शन कम करूंगी। यू नीड टू हैव एक्शनेबल गोल्स, और इसी बात को मजीद बिल्डअप करने के लिए वन ऑफ आवर फेवरेट्स, अ लाइफ कोच बाय प्रोफेशन एंड ऑल्सो समबडी हु ब्लॉग्स अबाउट दीज वेरी इंपॉर्टेंट माइंडफुल थिंग्स, हमारे साथ मौजूद हैं जहां आरा। हैप्पी न्यू ईयर जहां आरा, एंड गुड मॉर्निंग न्यू ईयर टू यू ऑल्सो एंड ऑल योर व्यूअर्स एंड योर गेस्ट। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पॉपुलर 10 या 5 रेजोल्यूशन क्या हैं जो लोग हर साल बनाते हैं और जनवरी के खत्म होने से पहले पहले तोड़ भी देते हैं? नंबर 1 तो ये है कि हम वेट लूज करेंगे। हाँ। नंबर 2 ये है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करेंगे। नंबर 3 ये है कि हम सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर देंगे। नंबर 4 ये है कि हम अपने साथ अपने आप को टाइम देंगे, या फिर ये है कि हम अपनी एक बकेट लिस्ट बनाएंगे और हम ट्रैवल करेंगे या हम अपने लिए सोचेंगे। What about savings? What about learning? मुझे बड़ा अजीब सा ये बात लगती है कि आप देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तमाम के तमाम जो रेजोल्यूशंस हैं बड़े सुपरफिशियल हैं।
हमारे पेरेंट्स से रिलेट करते हैं फैरा, कोई ये बात नहीं कर रहा कि मैं यू नो ऑर्गेनिक चीज़ों पे चला जाऊंगा, रिसाइकल करूंगा, अपना गार्बेज या यू नो कार्बन फुटप्रिंट कम करूंगा, हमारे लिए कंसर्न्स ही नहीं है। व्हाट आई थिंक एक्चुअली कि रेजोल्यूशन डजंट जस्ट रिलेटेड टू द 1st of January, रेजोल्यूशन बेस्ड अप शुड बी बेस्ड अपॉन एवरी डे। मतलब मैं जो मेरी आदत है, मैं हर रोज आना रात में सोचती हूँ कि आज क्या गलत हुआ, नेक्स्ट डे आई शुड व्हाट शुड आई अवॉइड और नेक्स्ट डे मैंने क्या करना है, कैरी ऑन करना है, बिकॉज इफ विल बी गोइंग थ्रू द 31st of December तो वो तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू गिव द डाइट प्लान्स और द व्हेन आई द गाइड देम फॉर द डाइट एंड एवरीथिंग, तो वो ये कहते वी विल स्टार्ट फ्रॉम द दिसंबर और फ्रॉम द जनवरी, तो वो एक महीना कहाँ गया, वो एक महीना आप एक महीने तक ये सोचेंगे स्टार्ट फ्रॉम द जनवरी, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एक्चुअली ना। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखिए कि जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, अगर आप ये कह भी रहे हैं कि मैं अपने मेंटल वेलबींग पे काम करूंगी, अपना मी टाइम करूंगी, यू आर नॉट मेकिंग गोल्स लाइक कि मैंने नई किताब पढ़नी है। अमरीन की किताब आप सबने जरूर पढ़नी है, इट इज़ क्वालिटी शायरी और मेरे ख्याल में आपको सोचने समझने रिफ्लेक्ट करने का भी मौका देगी। लेकिन मिसेस खान, व्हाट इज़ एंटरटेनमेंट फॉर यंग पीपल टुडे? उनको ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा आज़ादी, कोई पूछे ना कि हम घर वक्त पे आए, कितने बजे आए, बहुत सारे पैसे जिसका कोई हिसाब किताब ना ले, और एक रिटर्न टिकट के बगैर वाली आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जाने की टिकट। बिल्कुल, यू आर 100% राइट, मैं इन सारी बातों से एग्री करती हूँ। और उनके पास एक अच्छा सा मोबाइल लेटेस्ट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ये तो है। और उसमें बहुत सारे फिल्टर्स होने चाहिए सेल्फीज के लिए। ये सारी चीजें हैं, और जिस वजह से बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने आप अपने बारे में सोचें, या अपने कोई नेबरहुड के बारे में सोचें, या अपनी मुल्क के बारे में सोचें, बिकॉज दे आर सो ऑक्यूपाइड अमंग देमसेल्व्स विद द टेलीफोन, विद दो तीन चीजें जो उनको आती हैं उसमें, सोशल मीडिया। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है नौजवानों की? कि उनका बस अब जो उनकी जिंदगी है, इट्स ऑल अराउंड ये गैजेट, जो सेलफोन, और फिर सेलफोन अब जरा सा खराब हुआ, नानो ये मॉडल आ गया, और बाबा चेंज करवा दें। वो जाहिर नानियां दादियों के लाडले होते हैं, उनको ऑब्जेक्शन भी इस चीज पर होता है, लेकिन वो बाज दफा इतनी ज्यादा अपने बच्चों को चाहती हैं कि वो मजबूर होती हैं, कहते हैं अच्छा भाई चेंज कर लो, चलो लो थोड़े से पैसे ये देकर और तुम ले आओ लेटेस्ट। अच्छा, कल भी मैंने स्पॉइल भी हम खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आप टीनेजर्स की बात कर रहे हैं ना, कल हम जरा अपनी गुफ्तगू में ये बात भी कर रहे थे कि दिसंबर इज दिसंबरिस्तान इन पाकिस्तान, सबसे ज्यादा शादियां तकरीबात जरूर इसी महीने में होती हैं बच्चों की, लोग जा रहे आ रहे होते हैं, या बाहर सेलिब्रेट करने जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर गए हुए होते हैं, नौ देहाता जोड़े हैं जिनकी शादी अभी दिसंबर में हुई है, उनको आप जनवरी में क्या मशवरा देंगी? आपकी कोई लाइफ एडवाइस उनके लिए भी तो होनी चाहिए ना, न्यूली मैरिड कपल को ये है कि दे शुड एंजॉय लाइफ, और छिक छिक वाली लाइफ नहीं होनी चाहिए उनकी, दे शुड एंजॉय लाइफ। अभी उनका स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट तो उनको हैप्पीली करने दें, घर वाले नोक झोंक ना करें उसको, लेट हर एंजॉय, लेट हर वेयर गुड क्लोज, लेट हर गो आउट, लेट हर हैव अ नाइस, अपनी बाहर घूमने जाएं या कहीं भी जाएं, और लेट हर फील इजी, लेट हर ट्राई टू अकोमोडेट इन द हाउस, एंड देन वॉट एवर यू फील लाइक उसका आउटकम ये होना चाहिए, ये ऐसे वैसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली। हमारी सास ने भी हमें सिखाया, हमें भी खाना वाना पकाना नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, बट नाउ वी आर एक्सपर्ट्स। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स हम कहते हैं कि हमारी नफ्सियात ये कहती है कि वी ट्राई टू डिले एनीथिंग व्हिच डजंट फील गुड। डिले तो हमारी, ये तो हमारी कौम का है ही मसला, डिले। अगर आप शादी पर भी जा रहे हैं तो अब आप देखें 10:30 तो औरतें तैयार होकर 11 पहुंच रही हैं। मैं तो कहती हूँ 12 बिल्कुल लाइट्स ऑफ, चाहे आप आए देर से आए, कुछ भी आए, बल्कि 11:30 देखें ना, आपके पास लाइट ही नहीं है और आप 2:00 तक अपनी लाइट्स जलाए रख रहे हैं, दिस इज नो वे। अपने मुल्क की, अपनी चीजों की कदर ही नहीं करते हम ही लोग, कदर ही नहीं करते हम ही लोग, कचरा फेंकते फिर आप गवर्नमेंट को कहते हम ही लोग लाइट्स का एक्स्ट्रा, हम क्यों अपनी 10-11 तक मार्केट्स खोले रखते हैं, बाहर 8 बंद हो जाती है ना, क्यों नहीं यहाँ पे होता? वो सुबह 8 खुलती भी तो है मिसेस, नहीं चलो 12-1-2 की बजाय 10 खोले और 8 बंद करें, क्यों लाइट का ज्या हम खुद ही कर रहे हैं? लाइट शॉर्टेज, देयर इज नो लाइट शॉर्टेज एज सच। इंसानी नफ्सियात जैसे कहती है कि हर वो चीज जो हमें इल्जाम दे या हमें बुरी लगती हो या किसी भी तरह का डिसप्लेजर या डिसकम्फर्ट कॉज करे, हम उसको डिले करना चाहते हैं। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो सही वक्त पे हमें डिसीजन नहीं लेने देती, इसको अगर दूर करना हो जहां, तो क्या करें इस साल?
सिद्धा अपने लिए रीजनेबल गोल सेट करें। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने वेट लूज करना है तो शायद हम अपना आधा वेट जो गोल है उस वो पहले मंथ ही में अपना वेट लॉस गोल जो है वो अचीव कर लेंगे। अगर हम बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आराम से हमने एक चीज़ किसी भी चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है और वो एक स्लो एंड स्टडी जो है टारगेट होना चाहिए, स्लोली एट फर्स्ट टिल द टाइम वी कैन नॉट बिल्ड इट अप। अगर हम पहले ही अपने लिए इतना बड़ा गोल सेट कर देंगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी होगी। और इसीलिए जैसे मिसेस खान ने और आपने कहा कि दिसंबर के किए हुए रेजोल्यूशंस जनवरी में ही खत्म हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, डोंट ट्राई टू गो टू फार टू सून। और तभी मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ गई क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब ये कारवां वर्दा के पास जा रहा है। वर्दा, आज क्या बनने वाला है? ये तो मुझे कुछ पराठा रोल, ओए होए होए, जबरदस्त। एग्जैक्टली, अच्छा थोड़ा देसी हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा देसी भी दें कि जैसे तो न्यू ईयर है ओके, और हम बर्गर्स और आजकल पिज्जा फ्राइज बहुत इन है। मुझे लगता है ये सुस्ती वाली डिश है। अम्मी को जब कुछ नहीं पकाना होता कहती है कि पराठे में ही रोल बन गया कि अपने आप में मुकम्मल मील है, तो अब और कुछ ज्यादा फरमाइश नहीं सकता। ये पता है, एक तो सबसे पहली बात इजी टू मेक, घर में अवेलेबल, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके घर में कोई आता है गेस्ट तो आपका भी कभी कभी दिल नहीं चाहता कि आप हर वक्त किचन में खड़े रहें, आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ। तो एक क्विक और झटपट रेसिपी जो होती है, स्पेशली अगर आपके पास हेल्प नहीं है और मेहमान भी आए हुए हैं उनको भी एंटरटेन करना है, उफेरा के दिल की आवाज है। देखो हम न्यू ईयर मनाए ना मनाए हमारी हेल्थ की ना वर्क लाइफ बैलेंस बेहतरीन है। मिसेस खान, उन्होंने लंच ब्रेक भी पूरा लेना है, उन्होंने नमाज ब्रेक भी लेना है और उन्होंने न्यू ईयर ब्रेक भी लेना है, सिगरेट भी पीना है, वॉशरूम भी जाना है, कई चीजें। हम अपनी छुट्टी को ये सोच के नहीं भाई काम से छुट्टी नहीं मिलेगी वो नहीं ले सकते, लेकिन हेल्प माशाल्लाह के खानदान में कोई शादी हो उन्होंने जाना जरूर है, जरूर है ना। अच्छा जी, बनाया क्या? अच्छा जी, ये कबाब जो है ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बताती हूँ, अब तकरीबन तमाम शोज में कल भी हमने बताया था कि आप जो इस तरह की फ्रोजन आइटम्स हैं ये आप घर में खुद बना के फ्रीज कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब भी आपको बनाना हो क्विकली आप इसको जस्ट निकालें, डिफ्रॉस्ट करें और फ्राई कर लें। ये हमने यहाँ पे मुट्ठी कबाब बना के रखे हुए थे, मैंने इसको फ्रीज कर लिया था। इसमें हमने डाला है ये लैम्ब के मैंने बनाए हैं मटन के, बेसिकली आप लैम्ब के ही बना सकते हैं। और मटन मैंने यहाँ पे मटन का कीमा इस्तेमाल किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है, प्याज का पेस्ट डाला है मैंने 2 टेबलस्पून, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च, और हरी मिर्च जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालें, अगर नहीं तो नहीं। कि हरी मिर्च मुंह में अक्सर तेजी लगती है, बच्चे नहीं मुझे बुलाएं तो जरूर डालें, मुझे बहुत अच्छी लगती है तो हरी मिर्च ऑप्शनल है इसमें। उसके बाद इसके आप कबाब छोटे छोटे से बना के जो है वो फ्रीज कर दें एंड देन उसको मैंने फ्राई करके यहाँ पे रख लिया है। अच्छा, ये जो मुट्ठी कबाब है इसको भी आपने स्क्यूअर्स में लगाते हैं, जब आप फ्राई करें तो स्क्यूअर्स आसान होते हैं उसको टर्न अराउंड करने के लिए? नहीं, देखिए ये बनाते वक्त जो है ये आप स्क्यूअर्स ले लें या आपके घर में अगर कोई भी पेंसिल है या आपके पास कोई रोलर पॉइंट है उसमें लेके आप इतना दबा के लगा लें एंड देन फिर आप उसको निकाल के आप जिस बॉक्स में कंटेनर में उसको फ्रीज करें, फ्रीज कर लें। अच्छा, व्हाट आई रियली लाइक, और ये स्टेप को मैं चाहती हूँ कि आप नोटिस करें कि वर्दा ने ये कबाब निकालने के बाद इनको फ्राई तो कर लिया लेकिन उसके बाद जब इनको पराठे में डालना है उससे पहले इसको आप कट कर सकते हैं। वी मेक दी स्मॉल थिंग्स, वरना आमतौर पर इतना वो बड़ा सारा बड़ा होता है कि आपके तो आप जब बाइट लेते हैं तो पूरा का पूरा कबाब निकल के बाहर आ जाता है, इजी टू ईट। कई दफा आपका आपकी ख्वाहिश भी होती है ना खाने की, आप कहते हैं नहीं भाई इतने लोग बैठे हुए मैं ये नहीं खा सकता, एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। तो वो अपने साल 2020 में ना एम्बैरेसमेंट कम से कम होनी चाहिए, ऐसा ना हो बाइट लें चटनी गिर रही है, कबाब गिर रहा है, उन सारी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, देखिए मैंने इसको कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस के अंदर। अब यहाँ पे पराठा आप घर का होममेड पराठा बनाना चाहते हैं नॉर्मल आप इधर बनाए मैदा, फ्रोजन पराठे अगर घर में मौजूद है उससे बना लें। छोटे साइज का मैंने पराठा बनाया हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक लेटस लीफ रखा है, उसके बाद जो कबाब मैंने कट करके रखे हुए मैं वो रख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, ओवर फुल नहीं करना है इसको कि आपने बस भर देना है, नहीं थोड़ा सा कम लगाएं लेकिन एहतियात से लगाएं। अच्छा वर्दा, आमतौर पे इसकी जो रोलिंग है ना उसका एक टेक्निकल सवाल लोग ये पूछते हैं, इसको आपने जैसे किया ये पराठे की थोड़ी एज पे लाइक वन थर्ड साइज पे, कुछ लोग सेंटर में रखते हैं कुछ पूरा भर देते हैं फिर उसको जब रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो। अच्छा, मैं सेंटर में इसलिए नहीं रखती हूँ कि मेरे पराठे का साइज छोटा है, ओके सेंटर में रखूंगी तो वो डबल फ्लिप नहीं होगा और खाने में मुश्किल होगी, गिर सकता है या आपके सर्विंग प्लेटर में जाते जाते ही वो निकल सकता है। ओके, क्विकली अब इसको अलग अलग अब देखेंगे, मैंने चटनी बनाई हुई है यहाँ पे, हरी पुदीने की धनिया पुदीने की चटनी है, इसमें हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है, लहसुन है कुटी हुई लाल मिर्च है और थोड़ा सा इमली का पेस्ट है। सही है, ये डाला हमने यहाँ पे पानी और ये है हमारे पास चिली सॉस जी, आप चिली सॉस ले लें, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना आपके ऊपर है, वरना मुझे पसंद है थोड़ा सा चिली सॉस। इसके बाद हम प्याज डालेंगे इसमें, सही है जी, ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज डाल दी,
चाहिए, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि आपने इसको रोल भी करना है। अच्छा, रोलिंग कैसे करेंगे हम इसकी, वो ध्यान में रखिएगा। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने हल्का सा एंड उठाया, आपको अपनी फिंगर्स इधर रखनी है सेंटर में, ये देखें, एंड देन रोल इट। सो इट्स वन फ्लिप दैट बेसिकली सील्स एवरीथिंग। एग्जैक्टली, एंड देन फिर देखिए, मैंने सेंटर में इसलिए ये रखा था कि मेरे पास एक और ये फ्लिप आ जाएगी और आपके पास वो मूवमेंट यानी अगर मूव करना है तो आगे चल जाए। वेरी नीटली डन, अच्छा नीटली डन। एंड उसके बाद आप इस पे टूथपिक लगा दें इसको होल्ड करने के लिए। अगर आपके गेस्ट खाएंगे तो उठाते ही निकलेगा नहीं इजीली, थोड़ी सी निकली भी है बाहर, ये देखिए। और अगर गेस्ट पसंद ना हो तो 3-4 लगा दें ताकि पता भी चले, उनको मेहनत भी करनी पड़े। अच्छा, दूसरी बात ये, इसको सर्व करते हुए आप साथ में चटनी रख सकते हैं। हाँ। ताकि अगर किसी को ज्यादा चटनी चाहिए तो वो अलग से प्लेट में निकाल के उसके साथ डिप करके खा लें। और इस चटनी में अगेन आपके पास चॉइसेस हैं, अगर आपको इसको बारबेक्यू फ्लेवर देना है तो आप बारबेक्यू यूज कर सकते हैं, मेयोनीज, गार्लिक, मेयो गार्लिक आजकल बहुत इन है, आप वो यूज कर सकते हैं, मेयो केचप है आप उसके साथ यूज कर सकते हैं, बहुत चीजें आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और कबाब भी जो आपने बनाए हैं उसको आप टूथपिक के साथ ऐसे किसी भी प्लेटर में आप उसको खाली वो भी सर्व कर सकते हैं एक स्टार्टर के तौर पर, अगर आपके पास ज्यादा है तो। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस है ना, सारी अंदर की घरेलू बातें बता रहे हैं क्योंकि जो लोग किचन ड्यूटी पे होते हैं ना उनको पता होता है कि ट्रॉली जो जा रही है इसके बाद वापस आएंगे। अच्छा जी, हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो हम इन पराठों को लेकर उधर भी पहुंचेंगे और जरा गुफ्तगू भी करेंगे, अमरीन से एक नज़्म भी सुननी, उनकी शायरी के कलाम, उनका मजमुआ आया हुआ है। बट राइट आफ्टर दैट, एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आपने चाय भी बनानी है, चाय लाते हैं। हाँ जी, एक ब्रेक लेते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान 2020 का जबरदस्त आगाज हो चुका है और जिस तरह कहा जाता है कि ये साल कई लोगों के लिए T20 साबित होगा, तेजी तेजी से खेलना है, तेजी तेजी से अपने हदफ और गोल्स को पूरा करना है और उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन का बिल्कुल वक्त नहीं है। अपने अंदर जो तब्दीली आप देखना चाहते हैं उसके लिए आज ही काम करें और जो चीज भी आपका गोल होना उसको करीब ले आए, जैसा कि ओफेरा ने मुठ्ठी कबाब की प्लेट को अपने करीब ही रखा। मुझे ये बताए कि आपके लिए भी जिस तरह अभी बात हो रही थी कि कई लोग अगर घर में अगर कोई तकरीब नहीं है, कहीं इनवाइटेड नहीं भी है, घर में रह के ओफेरा लोग कैसे मनाए न्यू ईयर? सिद्रा, व्हाट आई डू एक्चुअली, कि अगर नहीं कुछ होता, समटाइम्स आपका रूटीन बड़ा टफ होता है, बच्चे जाना चाह रहे होते हैं, तो मैं तो बच्चों की कजन्स गैदरिंग बड़ी अच्छे तरीके से रख लेती हूँ। जो मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं उनको बुला लेती हूँ या किसी भी बहन भाई के घर होता है और वो म्यूजिक नाइट भी उसको सेलिब्रेट करते हैं, छोटा सा फ्लोर भी बना दिया और वो इन द सेम सेंस वी सेलिब्रेट द 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा आइडिया इसमें ये है कि आजकल आपको यूट्यूब पे हर जगह कैरियोकी सॉन्ग्स मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू अटैच अ माइक एंड यू कैन हैव अ क्योंकि खास तौर पे जिन लोगों की शादियां अगर हुई हैं दिसंबर में तो उनके रिश्तेदारों ने उनको दावतें भी तो देनी है, कुछ टिप्स देना उसके लिए, कुछ अच्छे से आइडियाज देना। बहुत सारी ये जो आपने बोला ये बहुत अच्छा है, प्लस ये कि आप गजल लाइट छोटी मोटी सी अरेंज कर सकते हैं, उसमें भी ये नहीं कि लोग सोचते यार बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ये हो जाएगा, बजट बनाते बनाते ना ऐसा ऐसा आप कुछ चीजें अपने घर पे जमा करें इस तरह की कोई भी गैदरिंग्स हो, क्योंकि ये चीजें आपको रिलैक्स करवाती है आपके माइंड को। एक तो टिप हम देते हैं ना, जैसे हमारे सेट पे आप देखें जरा, हमने सेलिब्रेशन का माहौल करना होता है, हम जरा चिली लाइट्स अपनी निकाल लेते हैं, दे आर द बेस्ट थिंग्स टू स्पाइस एनीथिंग। सिद्धा, मैं तो अपने बहुत सारे शोज में चीजें गाइड करती रहती हूँ कि फेस्टिविटी सेलिब्रेट करने के लिए आपके घर में कुछ ना कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वो जब आप सेलिब्रेट करते हैं या डेकोरेट करते हैं या कोई चीजें लाइक म्यूजिक हो गया वॉट एवर, और जब आप अपने फ्रेंड्स को फैमिली को इनवाइट करते हैं तो वो चीज आपको इतना रिलैक्स देती है कि आप मंथ फॉर टू मंथ्स आप बहुत रिलैक्स होते हैं। कम खर्च बाला नशीन जिसको कहना चाहिए ना, कम खर्च बाला नशीन न्यू ईयर भी अगर आपने मंगाना ना, दो चीज कर लें, एक ये 2-3 चिली लाइट्स में इन्वेस्ट कर लें, एक अच्छा सा एयर फ्रेशनर या फिर कोई फ्रेग्रेंस घर के लिए ले लें, अच्छा छोटा मोटा सा म्यूजिक सिस्टम ले लें, अच्छा माइक सिस्टम ले लें और बच्चों को अपनी फैमिली रिलेशंस में ही इन्वॉल्व करके आगे बढ़ा सके, क्योंकि वहां पर ना आप लोग
बच्चे अपनी वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। ये जरूरी नहीं होता वो जब बाहर जा रहे हैं, नए लोगों में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो लोग कैसे हैं, वो माहौल कैसा है, लेकिन जब बच्चे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपकी वैल्यूज सेम है, उसी वैल्यूज में इसमें यहां पे उनकी भी बात करना चाहेंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी घर की या फैमिली की किसी तकरीब की वजह से पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑब्वियसली जैसे हमने देखा कि 31st को मोस्ट ऑफ द एरियाज इन कराची इज वेल कॉर्डन ऑफ कर दिए गए, सी व्यू पे आप नहीं जा सकते, कई जगह बाकायदा कह के न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेशन नहीं होंगी, तकरीबात बंद की गई। सो ओवरसीज पाकिस्तानीज आर स्ट्रगलिंग कि बच्चों को क्या बताएं कि न्यू ईयर पे पाकिस्तान में क्या होता है, अब तो खैर गुजर गया लेकिन उनको किस तरह सेलिब्रेट कराएं, खाने पीने से? एक्चुअली खाने पीने से, और जब जब ओवरसीज पाकिस्तानी आए तो अपने बच्चों को कंडीशन करके लेके आए कि ये एक डिफरेंट किस्म की वेकेशन है, दिस इज नॉट अ वेकेशन वेयर वी आर गोइंग टू टेक यू टू थीम पार्क्स, या दिस इज अ वेकेशन वेयर यू आर गोइंग टू गेट टू मीट योर फैमिली, जहाँ पे आपको तरह तरह के खाने खाने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको अपने बड़ों के साथ बैठने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपने कजन्स के साथ, अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो अगर आप अपने बच्चों को कंडीशन करके लेके आओ कि दिस इज अ टोटली डिफरेंट वेकेशन फ्रॉम द वंस दैट वी यूजली टेक, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा ज्यादातर ये होता है कि घूमें फिरें, दूसरी चीजें देखें, तो अपने बच्चों को कंडीशन करके लेके आए कि दिस इज अ फैमिली टाइम, शादियों पे जा रहे हैं कि वी आर मुस्लिम्स, तो हमारा ये उनको बताओ कि ये न्यू ईयर इज फॉर क्रिश्चियंस, मोस्टली क्रिश्चियंस या दूसरे लोग मनाते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर तो हम सब फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा साथ साथ ये बताओ कि हमारे मजहब का कौन सा न्यू ईयर मुहर्रम होता है, तो वो उनको थोड़ा सा ये भी डिफरेंशिएट करके बताओ कि हमारा कौन सा न्यू ईयर है, उनका कौन सा न्यू ईयर है, तो हमें ज्यादा स्ट्रेस उस पर देना चाहिए। नो डाउट ये न्यू ईयर है और हम मनाते हैं, हम विश भी करते हैं, बट हम ऐसे नहीं मनाते जैसे बाहर के लोग मनाते हैं, हमें उसको उसका हमारा एक अपना फ्लेवर है और ये कल्चरल ओरिएंटेशन आपकी जरूर होनी चाहिए। अमरीन, आप तो अपनी किताब की जो पूरी एक सीरीज रही, उसकी विजिट रही, आपने अभी हाल ही में वहां पे भी, आप अमेरिका में रहे हो, तो जब वापस आ रहे थे तो आपको एक स्टार्क डिफरेंस लगा कि वहाँ सेलिब्रेशन का माहौल और हम उस तरह नहीं मनाते न्यू ईयर को? देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हम में और उनमें है ना, वो हम लोगों को जरूर सीख लेना चाहिए कि वो दूसरों की जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी नहीं करते, फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं है। हमारे यहाँ तो काम वाली तक पूछेगी कि बाजी आज तैयार हो रही है, कोई आ रहा है क्या, क्या स्वागत है, कौन आने वाला है, या आप उससे कह दें कि भाई जरा दरवाजा खोल दो। मेरे ख्याल में आपको रखना ये चाहिए, अखज ये करें कि रोजाना सफाई रखें, रोजाना तैयार हो तो कोई पूछेगा ही नहीं। अच्छा जी, क्योंकि आखिरी फ्यू मिनट्स ऑफ द शो है हमारे पास, अमरीन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कुछ अपने ताजा कलाम में से मुझे, मेरे व्यूअर्स को भी सुनाएं। आए मुझे बहुत फरमाइश आ रही है, आपकी एक नज़्म है तुम बिना, अच्छा तो वो नाम भी है ये, हाँ, तुम बिना, तो तुम बिना ये तो मैं अक्सर कहती रहती हूँ, और किस वजह से कहती हूँ ये अलग बात है, लेकिन आप जरूर सुनाइए। अब इसमें से आपको वही सुना देते हैं गजल, के ये वही है कि हमारे नजदीक सिर्फ एक दानिश्वर औरत ही काबिल एहतराम नहीं है, आम औरत भी काबिल एहतराम है। तो हमने इस किताब में कुछ ऐसी गजलें और शायरी भी शामिल की है जो एक फितरी औरत को बिल्कुल उसके अंदाज में जाहिर करती है। तो ये एक निसाई लबु लहजा है जो हमारी आम औरत का है कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना, खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे समझ सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, आईने में तुम होते हो तुम भी ना, सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, सच बोलो मैं बात करूं तो किससे करूं, तुम तो हर एक से जलते हो तुम भी ना, तुम तो हर एक से जलते हो तुम भी ना, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मेरी बंद आंखें भी तुम पढ़ लेते हो, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना, मुझको इतना जान चुके हो तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से, चलो हटो तुम बहुत बुरे हो तुम भी ना, कर जाते हो कोई शरारत चुपके से,
चलो हटो तुम बहुत बुरे हो, तुम भी ना अपने दिल का चोर मुझे तुम कहते हो, अपने दिल का चोर मुझे तुम कहते हो, तौबा तुम कितने झूठे हो, तुम भी ना तौबा तुम कितने झूठे हो, तुम भी ना। और आखिरी शेर है कि मांग रहे हो रुख्सत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुख्सत मुझसे और खुद ही हाथ में हाथ लिए बैठे हो, तुम भी ना। बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त और बहुत मजा आया। आई थिंक दैट्स अ राइट नोट टू स्टार्ट द न्यू ईयर एंड टू एंड आवर शो। अमरीन जहां आरा, उफेरा एंड मिसेस खान, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की आमद का और मुस्कुराहटों का, खुशियों का यह सफर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।